रुपया। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि चीन और भारत की जो चुशुल मोलडो में बातचीत चल रही थी वो खत्म हो गई है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला है इसका हम इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर में वो जानकारी भी सेना हमारे साथ साझा करने वाली है, लेकिन आज इसी पर तो बातचीत चल रही है कि चीन को काबू में कैसे किया जाए, चीन को चित कैसे किया जा सकता है, वो कौन कौन से मोर्चे हैं जिन पर हिंदुस्तान को बहुत अग्रेसिवली काम करना होगा ताकि चीन जो पड़ोसी है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं उसकी हरकतों को बदला जाए। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले क्या ये इतना आसान होने वाला है? वो इसलिए क्योंकि हर कोई ये जानता है कि जिस चीन से हम इस वक्त डील कर रहे हैं वो एक ताकतवर मुल्क है, वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और उसके बाद उसने जिस तरीके से जगह जगह पर इन्वेस्ट किया हुआ है वो किसी से नहीं छुपा हुआ है। हमारे यहां की 30 यूनिकॉर्न कंपनीज में से 18 ऐसी है जिसमें चीन का इन्वेस्टमेंट है। अभी अमूल को देखिए लेकर किस तरीके से सवाल खड़े हो गए हैं। पहले वो रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं और उसके बाद अमूल इंडिया के बाकायदा एमडी आरएस सोरी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। पूरी रिपोर्ट आप देखिए और बाकी सारे खास मेहमानों से भी आपका तारुफ करवाऊंगी उसके बाद। ड्रैगन की चालबाजी के बीच सीमा पर बातचीत, एक महीने के बाद विवाद सुलझाने की बड़ी कोशिश। दोनों जो देश हैं वो आजकल वर्ल्ड पावर में गिने जाते हैं और दोनों बड़े बैलेंस्ड देश हैं, सो उसको देखते हुए ये जो टॉक है एक बिल्कुल सही रास्ता है। बॉर्डर पर बातचीत के बावजूद चीन ने दिखाई अकड़। ग्लोबल टाइम्स ने कहा सीमा मुद्दे पर हम नहीं झुकेंगे।